नमस्कार व्यूअर्स, आपका अपने चैनल सुमन हैंडीक्राफ्ट में आज फिर से एक बार स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अनिद्रा का एक नुस्खा लेकर आई हूँ। अनिद्रा से बहुत लोग परेशान रहते हैं। इस समस्या से मैं भी जूझ चुकी हूँ कि मुझे भी वीक में 3-4 दिन ऐसे निकल ही जाते थे कि नींद नहीं आती थी, और बस उसके बाद तो सिर फटने लगता है और वह ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर में चक्कर भी आता है, ब्लड प्रेशर होने लगता है और बस पूरी रात ही बेकार चली जाती है। और अगर नींद की गोली वगैरह खाते हैं, टैबलेट, तो बस फिर तो पूरा दिन ही बेकार है, पूरे दिन नींद ही आती रहती है और परेशानी भी रहती है गोली खाने से। तो बस मैं यही सोचती थी कि मुझे कोई घरेलू नुस्खा मिल जाए। अब मेरे को नुस्खा यह मिल गया है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी मैं इसको शेयर करती हूँ। देखिए, इसको बनाने के लिए बनाना, इलायची और दालचीनी ही चाहिए, और इसको हम 1-2 दिन लेंगे उससे ही हमें रिलीफ मिलने लगेगा। मुझे तो इसको लेकर काफ़ी रिलीफ मिला है, और आप कम से कम इसको 15 दिन लीजिए, लेकिन 3 दिन में ही आपको फ़र्क लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए हम पहले एक बनाना लेंगे पका हुआ, और इसका हम छिलका अलग नहीं करेंगे, इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। देखिएगा, छिलके सही थी हमको काटना है इस तरीके से, इसके हम छिलके सही थी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। और पीस करने से पहले हमने इस बनाना को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि हमको इसके छिलके भी यूज करने थे, इस वजह से हमने इसको प्रॉपरली वॉश कर लिया था। और फिर इसको हम छोटे छोटे पीसीज में काट देंगे। देखिए, छोटे छोटे पीस कट गए हैं और ये मैंने अलग निकाल दिया है। अब हम इसको किचन में जाकर एक भगोना रखते हैं गैस के ऊपर, और फिर इसको उसमें पकाएंगे। देखिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने ये भगोना ले लिया और गैस को ऑन कर लेती हूँ। इसमें 1 गिलास पानी ले लिया है, और ये जो मैंने बनाना के पीस काटे थे इनको इसमें डाल लेती हूँ। 2 छोटी इलायची ली है मैंने, ये देखिएगा, तोड़ लिया इनको और इसमें भी इसको डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे। मेरे पास पाउडर है ही दालचीनी का, थोड़ा सा डालूंगी ऐसे, और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो छोटा सा पीस डाल दें। इसको पकने देते हैं अच्छी तरह से, जल्दी ही पककर रेडी हो जाएगा ये। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इसको, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं उसमें। देखिए, पक चुका है मेरा ये, और अब हम इसको छान लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा मीठा खाना पसंद करेंगे तो इसमें आप यह मिश्री डाल सकते हैं, और शुगर के पेशेंट हैं तो मिश्री नहीं डालें, उसको ऐसे ही पिएं। मैं डाल देती हूँ, गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए, मेरा यह अनिद्रा का नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और अगर कमेंट्स करके मुझे यह अवश्य बताएं कि आपको यह अनिद्रा का नुस्खा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।